कुछ काला काला सा पड़ा हुआ था और लड़का कह रहा था तैने ये क्या कर दिया। मैं लड़की से पूछा, मैंने ये तुमने क्या किया है, बोली मैंने इसके ऊपर तेजाब डाला है। उनकी आपसी जान पहचान है और कुछ वर्षा ने चीखी भी है जब उन्होंने तेजाब डाला है। किसी लड़के द्वारा लड़की पर तेजाब फेंकने की घटनाएं बहुत सुनी होगी, लेकिन आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें युवती ने लड़के के ऊपर तेजाब फेंक दिया। हैरान करने वाला ये मामला अलीगढ़ से सामने आया है। एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। दोनों एक टेबल पर बैठकर बातचीत कर रहे थे कि अचानक महिला ने बैग से तेजाब भरी बोतल निकाली और लड़के पर फेंक दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को इलाज के लिए ले गई। घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया, पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक और महिला की पिछले 12 साल से संबंध थे। सुबह का टाइम था, लगभग 11:30। लड़की आई थी पहले और जब तक उधर की सफाई नहीं हो पाई थी तो मैंने कहा बेटा इधर बैठ जाओ, तो लड़की बोली नहीं अंकल मुझे अंदर बैठना। मैंने बेटा अभी यहीं बैठो, तो फिर थोड़ी देर लड़का भी आ गया, जब तक सफाई हुई थी वो उधर बैठ गए थे। और थोड़ी देर बाद मेरे भी घर से नाश्ता आया था, मेरे एक दोस्त आए हुए थे, हम दोनों नाश्ता बस खोला ही था, हमने शुरू ही नहीं किया। इतनी देर में वेटर आया, देखना ये क्या हो गया। तो मैं गया तो मेरी तो प्रथम दृष्टि समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, कुछ काला काला सा पड़ा हुआ था और लड़का कह रहा था तैने ये क्या कर दिया। मैं लड़की से पूछा, मैंने ये तुमने क्या किया है, बोली मैंने इसके ऊपर तेजाब डाला है और ये मुझे 12 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने बेटा यहाँ क्यों करा है ये काम, गलत काम, और क्या करती, मैं मजबूर हूँ, तो मैं रुक जा पुलिस बुला रहा हूँ। बोली तुम क्या बुलाओगे, मैं खुद जा रही हूँ पुलिस वाला। तो मेरे यहाँ का वो मेरे दोस्त और हमारे स्टाफ उसके संग संग गए हैं और चौराहे पर जाके उसने पुलिस को कहा है जाकर। अपने संग स्टील का गिलास लाई थी, एक बोतल, उसका बैग भी यहाँ रह गया, मोबाइल भी यहाँ पर है और बाकायदा वो उसके बैग में बचा हुआ तेजाब भी है, स्टील का गिलास भी वहीं पड़ा रहा उसका। और उनका क्या मैटर था मेरी जानकारी थी जी। पुलिस आई, पूरी जांच कर रही है, अभी भी बार बार पुलिस आ रही है, जांच कर रहे हैं। और लड़की ने अपने बयान भी दर्ज करा दिए कि हाँ मैंने उसको डाला, ये मुझे पिछले 10-12-15 साल जो भी होंगे परेशान कर रहा है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पूरी तहकीकात में जुटी है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि तेजाब फेंकने वाली युवती का नाम वर्षा है जो शादीशुदा है, जबकि जिस पर तेजाब फेंका है उस युवक का नाम विवेक बताया जा रहा है। पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि रेस्टोरेंट वाले इस तेजाबी कांड के पीछे असली वजह क्या है। माना ये जा रहा है कि आपसी मतभेद के चलते महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रथम दृष्टया तो यही मामला सामने आ रहा है कि एक महिला जिनका नाम वर्षा है, उन्होंने अपने एक मित्र विवेक जो कि अभी मौके से फरार है उनके ऊपर तेजाब डाला है। कुछ छींटे वर्षा के शरीर पर भी आए हैं जिनके लिए उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जा रही है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना सेंटर पॉइंट में एक रेस्टोरेंट के अंदर हुई है जी। घटना का कारण अभी तक पुष्ट नहीं किया जा सकता है, बट क्योंकि इनकी आपसी जान पहचान है और कुछ वर्षा ने चीखी भी है जब उन्होंने तेजाब डाला है, तो माना यह जा रहा है कि आपसी मनभेद होने के कारण ये घटना की गई। लेडी मैरिड थी, अभी जो प्राथमिक बयान है उनकी यही है कि क्या लग रहा है एसपी साहब, जिस तरह से महिला चिल्ला चिल्ला कर रही, 12 साल से मुझे परेशान कर रहा, मेरा शोषण कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है जी, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री आपको इस तरह की आवाज़? देखिए ये इस तरह की घटनाएं काफ़ी संगीन है, तो इस पे हम किसी कंक्लूजन पे जंप ना करें। एक बार दोनों पक्ष मिल जाए, महिला से अच्छी से पूछताछ कर दी जाए तो मीडिया को भी अवगत करा दिया जाए। सीसीटीवी फुटेज ली जा रही है, अभी तक प्रोक्योर नहीं किया, बट शीघ्र ही लेके लड़के के लिए प्रयास, एक तो सीसीटीवी फुटेज से उसके बाइक के नंबर के आधार पर उसको क्या कहते हैं ट्रेस किया जाएगा, बाकी मोबाइल नंबर उसका मिल गया है उसके आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है, आसपास के अस्पताल जहां कहीं वो लड़का गया है वहां पर भी पूछताछ की जा रही है। अलीगढ़ की घटना इसलिए ज्यादा हैरान करने वाली है क्योंकि पहले तेजाब नाकाम आशिकों और अपराधियों का हथियार हुआ करता था। वारदात की हद ये है कि तेजाबी कांड को लेकर बॉलीवुड में फिल्म तक बन चुकी है, लेकिन एक महिला का इस तरह तेजाब झड़क कर किसी पुरुष को शिकार बनाना शायद गाहे बगाहे ही सुनने में आया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।